नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है जो आपकी वैश्विक महामारी है, इससे संबंधित। तो देखेंगे इसमें कि आखिर ये अभी किस संदर्भ में लिखा गया है आर्टिकल, और फिर व्यवहारिक अर्थशास्त्र से तात्पर्य क्या है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र होता क्या है उसके बारे में भी जान लेंगे। व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता इस समय क्यों पर पड़ रही है उसे भी देखेंगे। व्यवहार परिवर्तन हेतु वैकल्पिक रणनीतियां क्या क्या है उन्हें भी देखेंगे हम लोग। व्यवहार में परिवर्तन लाने के सफल प्रयास क्या है उन्हें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोरोना वायरस के प्रकोप से विश्व व्यवस्था व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, इस बात से आप भी परिचित होंगे। इन परिवर्तनों की व्यापकता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों के साथ ही मानव के व्यवहार में भी देखने को मिल रही है। मानव के व्यवहार में परिवर्तन का यह स्वरूप स्वैच्छिक भी होगा और विधिक भी। यहां मानव व्यवहार में परिवर्तन के विधिक स्वरूप से तात्पर्य कानून बनाकर उसे अपने व्यवहार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया, जो अभी आप लोग कहीं भी थूक देते थे, अब एक इस पर दंडनीय अपराध हो गया। यानी कि अगर आप थूकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर तो इस पर आपको दंड होगा, यानी कि दंडनीय अपराध होगा, ताकि लोग कानून का पालन करें और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। ऐसा नहीं है कि व्यवहार परिवर्तन की अवधारणा भारत में नहीं है। इससे पूर्व देश की स्वतंत्रता के बाद सरकारी योजनाओं में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनके व्यवहार में परिवर्तन का प्रयास किया गया था। अब आप सोचिए कि आपकी भलाई के लिए सरकार को कानून लाना पड़ रहा है, पुलिस व्यवस्था लगानी पड़ रही है, तो इसमें आप समझदार नहीं हो सकते। ये आपकी समझदारी नहीं है। अगर समझदारी होती आपकी तो आप में एक कर्तव्य होता कि आपको अपनी सुरक्षा करनी है, समाज की सुरक्षा करनी है। ये कोई आपकी बहादुरी का काम नहीं है जो पुलिस लगानी पड़ रही है या फिर थूकने के लिए एक दंड देना पड़ रहा है, कानून लाना पड़ रहा है। ये तो आपकी बेवकूफी का उदाहरण है सबसे बड़ा। ठीक, और एक और हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 90-95% लोगों को एक गलत फहमी रहती है कि उनके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है समझदार, वो ही समझदार है, और सब तो बेवकूफ। इसी में हर कोई जी रहा है और मौत के मुंह तक यही सोच सोचते चला जाता है। अरे भाई, तुमसे पहले भी हुए हजार और राजा हैं और बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, लेकिन उनकी आजकल पता भी नहीं है। इसलिए अपने आप को पहचानिए और मिलते रहिए अपने आप से कि आप गलत कहाँ हैं, सही कहाँ हैं, वरना इसी तरह चले जाओगे। अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि जी के किस लिए हैं और मरते भी किस लिए हैं, बस जी रहे हैं किसी कारण। व्यवहार परिवर्तन का यह प्रयास अनवरत रूप से जारी रहा और वर्तमान में इस अवधारणा के सकारात्मक परिणाम हमें स्वच्छ भारत अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान तथा गिव इट अप अभियान में देखा जा रहा है। वर्ष 2019 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में व्यवहारिक अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया था। विदित है कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र पर वर्ष 2017 में अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद से व्यवहारिक अर्थशास्त्र की अवधारणा पर अधिक चर्चा होने लगी। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में इस अवधारणा का उपयोग सामाजिक बदलाव व मानवीय व्यवहार परिवर्तन करने के लिए पर बल दिया गया। अब बात करते हैं आखिर है क्या है व्यवहारिक अर्थशास्त्र, सिद्धांत पर आपका क्या है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं के सर्वोत्तम लाभ को ध्यान में रखकर लेता है। अर्थशास्त्र के तार्किक विकल्प सिद्धांत का भी यही मानना है कि एक तार्किक व्यक्ति लाभ, उपयोगिता तथा लागत को ध्यान में रखकर
अपने निर्णय लेता है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र की अवधारणा उपयुक्त विचारों से भिन्न है। इस अवधारणा का मानना है कि लोगों के निर्णय अन्य बातों पर भी निर्भर करते हैं। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अनुसार मानव का व्यवहार प्रमुख रूप से समाज एवं उसके बनाए नियमों से प्रमुख रूप से प्रभावित होता है। भारत में सामाजिक एवं आर्थिक नियम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा लोगों के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं। इस तत्व को ध्यान में रखकर जरूरी बदलाव लाने में व्यवहारिक अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बात करते हैं व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता आखिर क्यों। जैसा कि हम जानते हैं कि इस महामारी वैश्विक महामारी से बचाव का एक बेहतर विकल्प फिजिकल डिस्टेंसिंग अर्थात शारीरिक दूरी है। भारत की घनी आबादी को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि वायरस के प्रकोप से बचने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हुए स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन करना जरूरी है। इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हमें अभिवादन की पारंपरिक प्रक्रिया नमस्ते का अनुपालन किसी भी शारीरिक स्पर्श के बिना करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा क्योंकि ड्रॉपलेट्स के माध्यम से वायरस का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से हो सकता है। सभी लोगों को समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करने या फिर साबुन से धुलने के नियम को अपने व्यवहार में शामिल करना होगा क्योंकि हाथ तो वायरस के शरीर में प्रवेश का प्रमुख कैरियर बन सकता है। आप सोचिए कि मतलब सरकार को बताना पड़ रहा है कि हाथ हाथ धोइए आप बाहर से आ रहे, ये तो नॉर्मल सी बात थी। आप ही सोचिए जब आप लोग बाहर से आते थे धूल लग रही है कहाँ क्या हो रहा है, आपको आते थे आप अंदर चले जाते थे अपने बच्चों के साथ मिलने लगते थे, अरे भाई उसके पहले बाहर आ रहे हैं अपने हाथ मुंह धोइए उसके बाद अंदर जाइए। अभी हमारे यहाँ पे क्रिया हुई है, बदली हुई है, अब बहुत हद तक लोग हाथ धो रहे हैं मुंह धो रहे हैं उसके बाद ही अंदर जा रहे हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कोरोना वायरस की वजह से ये तो सुधार आया है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। बात करते हैं व्यवहार परिवर्तन हेतु वैकल्पिक रणनीतियां। नज सिद्धांत या व्यवहारात्मक विज्ञान की संकल्पना है जिसमें बिना दबाव के तथा सकारात्मक दिशा निर्देशों और परोक्ष सुझावों द्वारा लोगों को वांछनीय और लाभकारी व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा ही लोगों के भीतर खुले में शौच की प्रति नकारात्मक भाव पैदा कर सामुदायिक शौचालयों का उपयोग करने के प्रति प्रेरित किया गया। इस कार्य में दरवाजा बंद जैसे अभियान कारगर सिद्ध हुए। आपके इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इस समाज बेटियों की महत्ता को समझते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी की दिशा में अग्रसर हुआ है। लोगों के इस व्यवहार परिवर्तन में सेल्फी विद डॉटर जैसे सामाजिक पहलों का बड़ा योगदान रहा है। अब आप सोचिए आपकी कोई मानता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना पड़ रहा है, इस तरह के जो भी लड़कियों को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहे हैं, ये आपकी कोई मानता है? समझदार ये कि जिसने मुझे पैदा किया उसी को बचाने की बात चल रही है, जिस प्राकृतिक यानी कि वनों ने प्राकृतिक चीजों ने हमें हम जी रहे हैं जिन पर है? अब आप सोचिए प्रकृति पर ही तो हम निर्भर हैं, उसी को बचाने की अभियान छिड़ा हुआ है कि जो वो तो ऐसा ही है कि भगवान ने हमें भेजा है धरती पर, भगवान को ही बचाने की कोशिश में जुटे हुए। भाई इतने कमजोर नहीं है भगवान कि उन्हें बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी या वो खतरे में है, बस उनसे आप लोग दूर रहिए, आप समस्या उनके सामने मत खड़ी करिए, वो इतने सख्त हैं कि वो अपने आप को संभाल सकते हैं। तो इसी तरह महिलाओं का है कि आप बेटियों को बस जाने दीजिए पढ़ने दीजिए मतलब धरती पर आने दीजिए, वो इतनी सक्सेस हो जाएंगी कि वो अपना सब कुछ कर लेंगे। इसी तरह आप लोग पर्यावरण को ले सकते हैं, पर्यावरण से छेड़छाड़ मत करिए आप लोग, वो इतना शक्तिशाली है कि अपना जो भी कमी होती है उसमें वो उसकी पूर्ति कर लेती है। ठीक है, फिर आपका आईसीएस आईसीई मॉडल
सूचना, शिक्षा और संचार ऐसा उपाय है जो एक निर्धारित समय अवधि में किसी विशिष्ट समस्या के बारे में लक्षित समूह के व्यवहार को बदलने या फिर सुदृढ़ करने का प्रयास करना है। अमेरिका में पिछले 30 वर्षों में LGBTQ+ समुदाय के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन हुआ है। यह नाटकीय बदलाव किसी कानून के कारण नहीं हुआ, बल्कि बहस और विचार विमर्श के कारण समाज में विकसित हुई परानुभूति का परिणाम है। हमारे भारत का क्या है कि अगर कोई भी परिवर्तन हो जाए, कोर्ट का निर्णय आ जाए कि देखिए आप कोई भी मुद्दा हो, बिना कानून के सॉल्व नहीं हो सकता है, चाहे वह महिलाओं को कोई अधिकार हो या फिर कुछ भी हो। इतना समाज जागरूक नहीं है कि उसे अपना ले, उसमें एक हीन भावना भरी रहती है, कई कानून ला के हमें हटाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपने आप समाज आगे बढ़ जाए और समाज भी मान ले। केरल में आपने सबरीमाला मंदिर का मुद्दा सुना होगा, अब देखिए उसमें अभी भी बवाल चल रहा है आपका, कि मतलब कोर्ट ने निर्णय दे दिया महिलाओं को जाने का, फिर भी लोग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे बात करते हैं सामाजिक विपणन। सामाजिक विपणन से तात्पर्य बाजार में अपनी जरूरत की वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को अनावश्यक रूप से स्पर्श ना करने से। उदाहरण, कई बार लोग अनावश्यक रूप से वस्तुओं को स्पर्श करते हैं या फिर कपड़ों को पहनकर देखते हैं, जबकि उन्हें उस वस्तु की खरीदारी नहीं करनी होती। अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रारंभ करना आवश्यक हो गया है। ऐसे में समय के साथ ही लोगों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजार का रुख करना हो। लोगों को बाजार में अपनी जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी करते समय सामाजिक विपणन के नियम का अनुपालन अपने व्यवहार में शामिल करना चाहिए। फिर आपका गैर सरकारी संगठन, इस महामारी से उपजी परिस्थितियों ने से निकलने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्रों में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की भूमिका निर्णायक हो सकती है, क्योंकि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सरकार की पहुंच इन संगठनों के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। इन गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग में स्वास्थ्य मानकों के प्रति जागरूकता पैदा कर सकती है। फिर आपका हेल्थ बिलीफ मॉडल। सामाजिक मनोचिकित्सक इरविन रोसेन स्टॉक ने हेल्थ बिलीफ मॉडल के माध्यम से बताया कि व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर कई बीमारियों से स्वयं को बचा सकता है। इस मॉडल में व्यक्ति की भावनाओं को प्रभावी क्रिया के रूप में प्रयोग करने पर बल दिया जाता है। जैसे किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए माँ के द्वारा किया गया भावनात्मक निवेदन बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। प्रधानमंत्री द्वारा जब जनता कर्फ्यू की अपील की गई, तब लोगों के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि यह एक भावनात्मक निवेदन था जिसने प्रभावी रूप से कार्य किया। आगे चलते हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाने के सफल प्रयास क्या है। सार्वजनिक व्यवहार को प्रभावित करने के मामले में कानूनों के सफल होने की अधिक संभावना है। जैसे धूमपान को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य चेतावनी सहित कई उपायों का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक कारक जिसमें धूमपान में निरंतर गिरावट लाने में योगदान किया है वह सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान पर प्रतिबंध। देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान पर प्रतिबंध, जब आपको देखा होगा आपने गुटखे पर लिख चेतावनी दी जा रही है, तब आपको समझ में नहीं आया तब भी आप बंद नहीं करें। जब सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान प्रतिबंध यानी कि दंड लगाया गया, तब लोगों की समझ में आ रहा है, अपने आप से नहीं कर सकते, सुधर सकते हैं। आगे, मनुष्य किसी व्यवहार की अपेक्षित लागत के आधार पर मेरी एक निषिद्ध गतिविधि में संलग्न होने के बारे में निर्णय लेते हैं। यदि सजा की गंभीरता और संभावना किसी गतिविधि से प्राप्त होने वाले लाभ या आनंद से अधिक है तो व्यक्ति उस व्यवहार से बचना चाहेगा। उदाहरण स्वरूप, संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 ने जुर्माने को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, जब आपसे हेलमेट के लिए बोला जाता था कि हेलमेट गाड़ी चला रहे हैं हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, तो आप नहीं लगाते थे।
और जब कानून आया तब आप जबरदस्ती लगा रहे हैं, तो मतलब तुम्हारी जान को बचाने के लिए सरकार को कानून लाना पड़ा है। ठीक, अगर आप अपने कर्तव्यों से परिचित होते, आप अपने कर्तव्यों को निभाते, तो पता है आज हमारी GDP 0% पर आ गई ना गई। कई एजेंसियों ने आपकी GDP को 0% बताया आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, यानी कि 7.4, पहले 7.6 से गिरती गिरती 0 पर पहुंच गई। इसमें सबसे ज्यादा योगदान आपका ही। अब देखिए, कोरोना वायरस से अगर प्रभावित ना होते तो अच्छा भला चलता। चूंकि इस वैश्विक महामारी के प्रसार का कारण मानव गतिविधि और व्यवहार है, अतः मानव गतिविधि और व्यवहार से संचालित समस्या के समाधान के लिए सरकार उन न्यायालयों से परे दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अच्छे और प्रभावी नियमों की भी अपनी भूमिका होती है, लेकिन सांस्कृतिक और व्यवहारिक बदलाव सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। इस प्रकार के प्रयासों के माध्यम से देश की जरूरतों के अनुसार लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए स्वास्थ्य मानकों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। इस संदर्भ में महात्मा गांधी की यह उक्ति ध्यान में रखी जानी चाहिए, जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हैं वह परिवर्तन आप स्वयं में लाइए। इस उक्ति को पता है कोई नहीं अपनाता होगा इस समय, क्योंकि आप सलाह देने में, दूसरे को सलाह देने में महानता हासिल कर लेते हैं, वही सलाह अपने खुद ऊपर अगर वो लागू करें तो उसे नहीं लागू करते हैं। दूसरा कूड़ा करकट फिट रहा है तो उसे बोलेंगे अरे ये गली रास्ते पर कूकर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, खुद वही काम करेंगे। चलिए, और एक बात हमेशा याद रखिए, इतने दिन लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर अच्छे से नियमों का पालन होता। आप सोचिए इसकी मियाद, यानी कि इसकी 14 दिन में कहते हैं कि सही हो जाता है मरीज लॉकडाउन के चलते, तो अगर उसी टाइम रुक जाता तो 14 दिन में जितने आपके यहाँ मरीज थे सब ठीक हो जाते, उसके बाद नॉर्मल स्थिति हो जाती, आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद बनी रहती। लेकिन नहीं हुआ, उसके चलते बढ़ते बढ़ते आज हमारे 85,000 प्लस पहुंच गया केस। अभी आगे देखिए क्या होता है। इसलिए अपनी सुरक्षा, अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करते रहिएगा। ठीक है।